हेलो, वैसे टाटा सफारी गाड़ी है और आज हम काम करने वाले हैं इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम अपडेट करने आ रहे हैं। और ये न्यू वाली सफारी है और ये हार्मन का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है ये वही इसका 10 इंच वाला स्क्रीन टच है। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है R16.80 ये इसका न्यू अपडेट आया हुआ है। और जो इसका ओल्ड वाला है ये आप देख सकते हैं इसमें, तो ये इसका जो पुराना पड़ा हुआ है R14.27 ये पुराना वाला वर्जन है। और जो इसमें अपडेट करना है वो है R16.80। तो ये इसका मैं इसमें पिनड्राइव में ये मैंने ले लिया है और यहाँ से लैपटॉप से लेके मैं पिनड्राइव में इसको अपडेट करूँगा। और ये मैंने लगा दिया है और इसका जब करने का जो प्रोसेस होता है, इसका इग्निशन ऑफ होने चाहिए, गाड़ी लॉक कर दीजिए, उसके बाद ही हम इसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आपने पहले आपको सेटिंग में आना है, उसके बाद सॉफ्टवेयर में आना है और दूसरा आपको यहाँ पे आता है अपडेट फ्रॉम USB, ये आप ओके करेंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं आप R16.80 ये इसका लेटेस्ट वर्जन है और ये मैं अपलोड करने वाला हूँ। ये अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इसका डाउनलोड ये हो रहा है। अब ये होने के बाद देखता हूँ क्या क्या चेंजेस में आए हैं क्या क्या नहीं। जो फिलहाल जो भी अगर आता है प्रॉब्लम तो हल या कैमरे की प्रॉब्लम आती है, इसीलिए ये अब इसका अपडेशन लेटेस्ट वाला आया हो ये कर देंगे। जो कैमरा कभी कभी लैग करता है और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम कभी कभी मतलब हर जगह लैग करता है, ये प्रॉब्लम पूरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे इस वाले सॉफ्टवेयर में। तो ये अपडेट हो रहा है और इसका अपडेट करने का जो प्रोसेस होता है वो आपको डीलर सिम में ही जाके इसको अपडेट करना है और अन्यथा आप नहीं कर सकते अपने हाथ से। इसलिए तो पहले लैपटॉप से डाउनलोड करते हैं, उसके बाद यहाँ पे USB लगाते हैं और उसके बाद इग्निशन को ऑफ कर देते हैं और गाड़ी पूरी लॉक कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये होने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड का ऑप्शन आता है, उसके बाद 10 सेकंड या 30 सेकंड के वेट करना पड़ता है, उसके बाद दोबारा इग्निशन और करने के बाद फैक्ट्री रिसेट जरूर करिएगा। जो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, अगर हम साइड के इंडिकेटर देते हैं तो कैमरा ब्लू हो जा रहा था, तो इसका अगर कोई भी कैमरा हम यूज कर रहे थे तो ये पूरा ब्लू हो जा रहा था। तो हमने इसका देखा, सॉफ्टवेयर भी पुराना था, इसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है R16.80 ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। तभी ये मैंने अब ये कंटिन्यू पूरा हो गया है। अब उसके बाद हम इग्निशन ऑन करने वाले हैं और उसके बाद हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं तो सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, इसका सॉफ्टवेयर भी चेंज हो गया है, R16.80 चेंज अपडेट हो गया है। और इसके बाद करने के बाद प्रोसेस क्या होता है, इसको फैक्ट्री रिसेट भी करते हैं, ये हम बैक करेंगे और उसके बाद आते हैं सिस्टम पे आना है तो इसको चाहे फैक्ट्री सेट कर सकते हैं और चाहे तो फोर सेट कर सकते हैं। तो हम इसको करने वाले फोर सेट, तो ये फोर सेट मैंने ओके कर दिया है। अब ये इग्निशन ऑफ कर देना है, जी खोल देना है। तो अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद देखता हूँ कैमरा, पहले तो मैं ब्लू कैमरा चेक करूंगा। तो ये पूरा ओके हो गया है और ये अपडेट भी हो गया है। अब ये से मैंने ये इंडिकेटर दिया तो ये देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पूरा ब्लू हो जा रहा था। अगर हम राइट का भी इंडिकेटर दे रहे थे तो ये राइट का इंडिकेटर चल रहा है और यहाँ पे ये पूरा ब्लू हो जा रहा था। तभी मैंने इसको अपडेट किया है और ये रिवर्स भी काम करने लगा है, तो ये सारा ब्लू हो जा रहा था। ये चीज, तो ये इसका लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है। अगर आपके पास भी है तो आप डीलर सिम में करा सकते हैं अपडेट, ये कोई इसका कोई नहीं होता, आराम से हो जाता है।